ये है Vivo V21e एंड ये है Mi 11 Lite। इस दोनों स्मार्टफोन के बीच आज हम कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अंदर दिया है 64 MP का डुअल कैमरा और ये भी मिलता है 64 MP का ट्रिपल कैमरा। एंड फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो इसके अंदर दिया 32 MP का सेल्फी कैमरा और ये भी मिलता है 16 MP का सेल्फी कैमरा। फुल HD 60 FPS 30 FPS 4K व्लॉगिंग सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर स्लो मोशन वाला सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर होने वाला है, तो वीडियो को देखते रहिए। अब इसके फ्रंट कैमरा सेंसर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। V21e एंड Mi 11 Lite के अंदर कैसे हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसके फ्रंट कैमरा से अगर आप रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे दिया 32 MP का सेंसर, यहाँ पे 16 MP का सेंसर, और इससे अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते तो फाइनल क्वालिटी हमें कैसा देखने को मिल रहा है। रेजोल्यूशन की बात करूँ तो Mi 11 Lite के अंदर हमें थोड़ा सा एक बेनिफिट देखने को मिलता है। फुल HD 60 FPS पे आप शूट कर सकते हैं, बट V21e के अंदर आप ओनली फुल HD 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम इसी पे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके अंदर फुल HD 60 FPS, इसके अंदर फुल HD 30 FPS। अब डायनेमिक रेंज अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी मैं पूरी तरीके से सन को फेस कर रहा हूँ, क्लाउडी वेदर है और उतना भी सनलाइट यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। और अभी ये सन के ऑपोजिट साइड आप देख सकते हैं डायनेमिक रेंज कैसे काम कर रहा है। शेडो एरिया के अंदर लाइट फिलअप कौन ज्यादा अच्छी तरीके से कर रहा है, Mi 11 Lite स्लाइटली बेटर ये पे शो हो रहा है। बाकी ओवरऑल क्वालिटी आप देख सकते हैं, डायनेमिक रेंज अगर आप देखना चाहते हैं शेडो एरिया के अंदर कौन लाइट फिलअप ज्यादा करते हैं, सो दोनों ही फोन डार्क एरिया पे बहुत ही अच्छा खासा लाइट शेडो ये पे प्रोवाइड कर रहा है। अब पीछे कोई भी सब्जेक्ट या ग्रीनरी सीन वगैरह आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बहुत ही एक सैचुरेट टोन हमें देखने को मिल रहा है। Mi 11 Lite के अंदर वाइब्रेंस बहुत ही ज्यादा है, बट V21 बहुत ही ज्यादा एक प्रोफेशनल टोन ये पे मेंटेन कर रहा है एंड देखने में सच में एक ओवरऑल रॉ टोन देखने को मिल रहा है, सच में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो अगर आपको सोशल मीडिया फ्रेंडली एक रेडी टोन चाहिए जो आपको बाद में एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा तो आप Mi 11 Lite की तरफ जा सकते हैं, बट अगर आपको एक रॉ टोन पसंद है जिसका टोन जैसा है वो उसी तरीके से दिखाए तो आप V21 को देख सकते हैं। एंड प्रॉपर तरीके से ग्रीन कलर आप डिफरेंस देख लो कैसे बहुत ही ज्यादा सैचुरेट एंड वाइब्रेंस इंक्रीज करके ये पे दिखा रहा है। Mi 11 Lite एंड V21 बहुत ही एक रॉ टोन प्रोवाइड कर रहा है। अब एस्टेब्लिशन की बात करूं तो ऐसे अगर आप वॉक करते तो दोनों ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे स्मूथ फ्रेम हमें देखने को मिल रहा है। किसी के अंदर भी यहाँ पे हमने एस्टेब्लिशन को ऑन नहीं किया, बाय डिफॉल्ट अगर आप रिकॉर्ड करते हैं ऐसे वॉक करते तो दोनों के अंदर आप देख सकते हैं एस्टेब्लिशन कैसे काम कर रहा है। 30 FPS की वजह से थोड़ा सा स्टैक फ्रेम हमें देखने को मिल रहा है V21e के अंदर एंड Mi 11 Lite बहुत ही स्मूथ फ्रेम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है फुल HD 60 FPS की वजह से। सो भाई यस, दोनों का एस्टेब्लिशन आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, उतना स्टैक यहाँ पे नहीं हो रहा है, अच्छा खासा स्टेबलाइज एंड मूवी सिनेमेटिक तरीका फ्रेम यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो दोनों ही फोन बहुत ही स्मूथ एंड सिनेमेटिक फ्रेम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है। पूरा हीरो तो तुम ही, अरे हाय कर दो। अभी दोनों के अंदर जूम टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कितना ज्यादा मैक्सिमम ये पे जूम होता है। फर्स्ट Mi 11 Lite के अंदर करते 2.5x और ये पे 5x का बटन दिया है और ये हो गया टोटल 10x। अभी V21 के अंदर देखते हैं कितना ज्यादा मैक्सिमम ये पे हम जूम कर सकते हैं और ये हो गया टोटल 10x। तो दोनों के अंदर आप देख सकते हैं 10x ये पे हमने फुल जूम कर दिया और शार्पनेस मुझे स्लाइटली बेटर लग रहा है V21e के अंदर। और दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है कलर, आप देख सकते हैं हर एक सिचुएशन के अंदर बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड कलर हमें देखने को मिल रहा है Mi 11 Lite पे, वही पे V21e एक बहुत ही ज्यादा रॉ एंड रियलिस्टिक सा कलर ये पे प्रोवाइड कर रहा है। तो फाइनली भाई 10x जूम करने के बाद कैसा क्वालिटी हमें देखने को मिल रहा है ये पे आप देख सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके ये पे जूम आउट कर देते हैं दोनों के अंदर ही, तो अभी ये हो गया टोटल 1x। एंड Mi 11 Lite के अंदर अल्ट्रोवाइड आप कर सकते हैं, ये पे एक बटन दिया है, आप 0.6x पे शिफ्ट कर सकते हैं, बट V21 के अंदर ऐसा कुछ भी ये पे नहीं दिया है। इसलिए आप वीडियो के अंदर भी अल्ट्रोवाइड ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं Mi 11 Lite के अंदर, बट V21e के अंदर कोई अल्ट्रोवाइड का सेंसर नहीं दिया है। अभी दोनों के मोड सेटिंग्स आप देख सकते हैं, V21 के अंदर 64 MP पैनो, लाइव फोटो, स्लोमो, टाइम लैप्स, प्रो एयर स्टिकर, डॉक, डुअल एक्सपोजर, ये सारे फीचर हमें देखने को मिलता है। वही पे Mi 11 Lite के अंदर दिया है नाइट, 64 MP शॉर्ट वीडियो, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट्स, व्लॉग, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल वीडियो, मूवी इफेक्ट, AI वाटरमार्क, लॉन्ग एक्सपोजर, मतलब फीचर के मामले में स्लाइटली में ज्यादा फीचर देखने को मिल रहा है Mi 11 Lite के अंदर। और भाई फेस क्लियरिटी की बात करूं तो शार्पनेस स्लाइटली में ज्यादा देखने को मिल रहा है V21e के अंदर, वही पे बहुत ही एक स्मूथ फेस टोन हमें देखने को मिल रहा है Mi 11 Lite के अंदर। तो दोनों के अंदर फर्क ये पे आप समझ सकते हैं, खुद के फेस अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो दोनों के अंदर हमें कैसा क्लियरिटी देखने को मिलने वाला है। और भाई वीडियो के ऊपर अगर आप ब्यूटिफिकेशन का काम करना चाहते हैं, फेस को और भी ज्यादा स्मूथ एंड मॉडिफाई
करना चाहते तो ये किसी भी स्मार्टफोन के अंदर पॉसिबल या पे नहीं है। फोटो के ऊपर आप ब्यूटिफिकेशन फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, बट वीडियो के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। अभी दोनों के बैक कैमरा आप देख सकते हैं कि कैसे यह पे काम कर रहा है। बैक कैमरे से आप कोई रिकॉर्ड करते खुद के लिए या यूट्यूब के लिए व्लॉगिंग वगैरह आप करना चाहते तो दोनों के अंदर देख सकते हैं कि कैसा क्वालिटी हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा लाइट यह पे पड़ रहा है, इस साइड से थोड़ा सा डार्क एरिया है, बट प्रॉपर कॉम्बिनेशन के अंदर अच्छा खासा लाइटिंग कंडीशन में देख सकते हैं फाइनल क्वालिटी हमें कैसा देखने को मिल रहा है। दोनों के अंदर यह पे फुल HD 60 FPS पे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। Just take me now, I'm helpless to resist. Got me so invested in this thing.